नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। कल हमने आपको पिछली वीडियो में कुछ हर्फ उर्दू के कैसे लिखे जाते हैं वो बताए थे। आज हम आगे के हर्फों को कैसे लिखना है वो आपको सिखाते हैं। उम्मीद करते हैं आप साथ के साथ रिवाइज करते रहे, इनको लिखते रहे अपनी कॉपी में। आगे है शीन, इसको इस तरह से लिखा जाता है ऐसे करके। स, शीन, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा। इसके ऊपर तीन नुक्ते लगाए जाएंगे। शीन, शीन, स्वाद, सवार, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। सवार, जवार, जवार, इसे भी ऐसे बनाना है। इसके ऊपर एक नुक्ता लग जाएगा, जवार। तो ये इसको इस तरह से लिख रहा है। जो ए, इसे भी इसके ऊपर एक नुक्ता लग जाएगा। ए, ए को इस तरह से लिखना है। ए, गेम, गेम, फे, इसके ऊपर यहां से मोड़ के इसको ऐसे बनाना है और एक नुक्ता लगाना है। फिर काफ, काफ को इस तरह से दो नुक्ते इसके ऊपर लगेंगे। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, देख लीजिए। इसको बिल्कुल पास से मोड़ देना है। का, तो ये क्या है, इस क के नीचे यहां पर नुक्ता लगेगा। काफ, काफ, ये काफ इस तरह से लिखा जाएगा। इस काफ को इस तरह से मोड़ दीजिए। काफ, और ये जो हमारा सिंपल क हम लिखते हैं हिंदी में क, वो लिखा जाएगा काफ। उसके बाद गाफ, गाफ को लिखने के लिए जैसे हमने काफ लिखा था, बिल्कुल इसके ऊपर यहां पर एक लाइन और लगा देंगे। गाफ, गाफ, इसके पैरेलल में एक लाइन जोड़ देनी है।
गाफ लाम लाम मीम मीम को इस तरह से लिख रहा है मीम नून नून वाव इसको वाव भी बोला जाता है वाव वाव हे इसे दो तरीके से लिखा जाता है एक इस तरह से और जो ये इस तरह से लिखा जाता है ये है इसको दो चश्मी है बोलते हैं दो चश्मी है जिसका आगे नए शब्द बनाने में कैसे प्रयोग होता है अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से दो चश्मी है के साथ नए शब्द बनाए जाते हैं हमजा हमजा को लिखने के लिए इस तरह से या फिर इस तरह से लिखा जाता है हमजा छोटी ए छोटी ए छोटी ए को लिखा जाता है और इसको आवाज जो है ये ई है और बड़ी ए बड़ी ए बड़ी ए को इस तरह से लिखा जाता है ये ए और आई दोनों के लिए प्रयोग होती है ओके दोस्तों आप इन शब्दों को अपनी कॉपी पे लिख लीजिए इनको रिवाइज कीजिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में उसमें हम आपको बताएंगे कि दो चश्मी हे के साथ शब्दों को किस तरह से बनाया जाता है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं नई वीडियो में